सावन शिवरात्रि को शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, पूजन की सारी सामग्री, पूजन की थाली, सभी की जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, तो सावन शिवरात्रि पर अभिषेक की पूजन सामग्री और पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, तो चलिए जानते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए स्वच्छ मिट्टी ले लें, गंगा जल और थोड़ा सा घी। फिर अच्छे से मिट्टी को मिक्स करने के बाद एक पात्र में बेलपत्र रखें। फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करें और यह उत्तर की तरफ शिवलिंग का मुख होना चाहिए। फिर जलाधारी बनाएं। जलाधारी को अच्छे से बनाएं ताकि अभिषेक करते समय अच्छे से अभिषेक हो जाए। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग तैयार है। तो अब पूजन की तैयारी कर लेते हैं। फिर कर लेते हैं पूजन की थाली को तैयार। तो सबसे पहले अभिषेक के लिए ले लेते हैं एक लोटा जल और साथ ही में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर ले लें। चाहे तो इनको एक साथ मिक्स कर सकते हैं आप और चाहे तो इनको अलग अलग भी रख सकते हैं। और याद रखिए, यह स्टील के बर्तन में ही होना चाहिए। 108 साबुत चावल के दाने लेने हैं, 21 काली मिर्च के दाने लेने हैं, 21 गेहूं के दाने लेने हैं और 5 कमलगट्टे, 3 पूजा वाली सुपारी ले लेनी है जो कि पूजन के लिए रहती है, कपूर और भगवान को इत्र लगाने के लिए, भोग के लिए जल रखना है अलग से, फिर पूजा के लिए चावल ये थोड़े अलग रख लें आप, 108 अलग रखने हैं और ये वाले चावल अलग रख लें, अभीर, भोडर, गुलाल, काली तिल, लौंग, इलायची, ये सभी सामग्री चढ़ाने के लिए रखना है। दो जनेऊ रखनी है जो एक गणेश जी के लिए और एक भोलेनाथ जी के लिए, और आपको साथ में नाड़ा भी रखना है। साथ यहाँ पर आपको समी पत्र ले लेने हैं महादेव जी को चढ़ाने के लिए, पान के कुछ पत्ते ले लेने हैं और साथ बेलपत्र ले लेनी है। यहाँ पर थाली में मुझे 7 लाल फूल, धतूरा और मिठाई नहीं मिल पाई थी, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, बस ये 3 चीज़ों को छोड़कर। तो आप ये 3 चीज़ें और ऐड कर लीजिएगा। पूजन के लिए खुले पैसे भी थाली में आप रख लें जो भगवान को चढ़ाने के काम आएंगे। और गंगा जल रखना है, 2 घी के दीपक ले लेने हैं, 1 जो आपको पूजा में रखने के लिए काम आएगा और 1 आरती के लिए रहेगा। तो 2 घी के दीपक आपको रखना है। भोग लगाने के लिए फल ले लेना है जो भी मिल जाए। और शिवरात्रि पूजन की थाली यहाँ पर कंप्लीट होती है। फिर आप अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा शिवलिंग बनाएं जिससे जल, पंचामृत अच्छे से महादेव जी को चढ़ाकर जलाधारी से नीचे पात्र में एकत्रित हो जाए। हर हर महादेव। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। और आपको वीडियो से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।